नमस्कार। कभी कभी हम अपने जीवन में इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें हमारा दुख बहुत बड़ा लगता है और दूसरों का कुछ भी नहीं। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी जो आपकी सोच बदल दे। एक दिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जब पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि वह अपने पति के साथ गुजारा नहीं कर सकती। घर से निकलकर मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक ही रही थी कि तभी उसे एक घर से आवाजें सुनाई दी। एक स्त्री रोते हुए ईश्वर से अपने बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक घर से आवाज आई, जहाँ एक स्त्री ईश्वर से अपने सोने को हरा करने की तैयारी कर रही थी। एक और घर से आवाज आ रही थी, जहाँ पत्नी अपने पति से कह रही थी कि वह मकान मालिक से कुछ और दिनों की मोहलत मांग ले और उसे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि वह रोज रोज आकर परेशान न करे। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बूढ़ी दादी अपने पोते से कह रही थी कि बेटा, कितने दिन हो गए तुम मेरी दवाई नहीं लाए। तो पोते ने रोते हुए कहा, दादी माँ, आपको मेडिकल वाला भला उधार दवाई नहीं देता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपकी दवाई ले आऊं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाजें आ रही थी, जो अपने भूखे बच्चों को रोटी के लिए बच्चों को यह कहकर मना रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हारे खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर लाएंगे, तब तक तुम लोग सो जाओ और जब बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस पलट गई। इतनी देर में बच्चे सो गए और जो लोग अपने हमारे सामने अपने आप को इतना शक्तिशाली और सुखी दिखाते हैं, इन सब की भी कोई ना कोई कहानी है, मगर फिर भी ये सब अपना दुख और दर्द छिपा कर जीते हैं। फिर वह औरत अपने घर को वापस लौट आई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी कि उसके पास तो अपना मकान, बच्चे और इतना अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोकझोंक हो जाती है, मगर फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत यह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो यह अंदाजा हो गया कि लोगों के दुख तो उससे कहीं ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने खुश और सुखी नज़र आने वाले सभी लोगों का जीवन सभी सुख में हो, उनके जीवन में भी परेशानी और तकलीफ न हो, ऐसा नहीं है, मगर सभी अपनी परेशानी और तकलीफ को छुपाकर मुस्कुराकर जीने की कला रखते हैं। बहुतों की हंसी के पीछे दुख और माथुम के आंसू है। परीक्षणों और कठिनाइयों के बावजूद चलते रहना ही जीवन की वास्तविकता है, यही असल जिंदगी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।